और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, बिहार से 8 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मोदी सरकार में बिहार से 8 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है और इनमें 3 मंत्री जेडीयू के कोटे से होंगे, 3 मंत्री बीजेपी के कोटे से हो सकते हैं। इसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर कि चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है जबकि जीतन राम मांझी को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। वहीं मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से एक आदिवासी और एक महिला चेहरे को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। और अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनूप, अब वही बातें शुरू हो गई हैं जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने जो केंद्रीय कक्ष था वहां पर जिक्र किया था कि अभी कयास लगाए जाएंगे, नाम चलेंगे, अभी कहां कहां किन राज्यों से किन किन के नाम चल रहे हैं मंत्रिपरिषद में शामिल होने के लिए। देखिए, जो बातें आप कह रहे हैं उसकी शुरुआत हम 2014 में जब मंत्रिमंडल गठन की कवायद चल रही थी उस समय हम ले जाते हैं, उस वक्त भी बहुत सारे नामों पर जो है वो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कौन कौन से मंत्रिमंडल में कौन कौन से नेता शामिल होंगे किसी को पता नहीं था। यहाँ तक कि जिन नेताओं को बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास पर ब्रेकफास्ट पे, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक दो नेता ऐसे थे जो किसी भी सदन के नेता नहीं थे, ना राज्यसभा के लोकसभा के, तब भी उन्हें प्रधानमंत्री आवास पर, माफ कीजिएगा, अशोका होटल में जिस समय वहां पे ठहरे हुए थे वहां पर बुलाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किन नामों पर मुहर लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि कल देर रात तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह भी थे, बीएल संतोष थे, बीजेपी के और भी वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे, वहां पर 1-to-1 जो गठबंधन के सहयोगी पार्टनर हैं उनके साथ 1-to-1 बैठकें चली और कहीं ना कहीं नामों पर जरूर सहमति हुई होगी। दूसरी तरफ बता दूं कि आज सुबह से ही गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मैराथन बैठक चल रही है और सूत्र बता रहे हैं कि जो नामों पर चर्चा चल रही है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके बारे में इत्तला की जा रही है। यानी कि जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो क्लोज डोर प्रोसेस है और फाइनल डिसीजन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। ऐसे में जिन नामों का जिक्र आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये वरिष्ठ नेता हैं, अपने अपने दलों के बड़े नेता हैं, तो लोग कयास लगा रहे हैं कि ये नेता मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, लेकिन किसी को भी पुख्ता इस बात की जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कौन कौन से नाम हैं या चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा किन किन नामों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में जरूर अभी कह सकते हैं कि अभी अभी सोचना पड़ेगा, अभी अभी उस पर हमें नजरें लगानी पड़ेगी कि किन नामों का खुलासा हो पाता है, लेकिन इतनी जाहिर सी बात है कि इस बार जो गठबंधन के घटक दल हैं उनको भी मंत्रिमंडल में बड़े पोस्ट पे रखा जाएगा। दूसरी तरफ है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की कोशिश भी बीजेपी और घटक दलों में की जाएगी, यानी कि जिस तरीके से आपने पिछले मंत्रिमंडल में देखा कि बीजेपी के जो नेता थे उनको ज्यादा स्थान मिला था, घटक दलों के नेताओं को नहीं मिल पाया था, इस बार कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाने की कोशिश। बिल्कुल, और चूंकि अनुभव जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश ने एक बड़ा तोहफा दिया एक तरह से 29 की 29 लोकसभा सीटों पर, तो ऐसे राज्य जहां पर संगठन अच्छा परफॉर्म कर रहा है संभव है कि यहां से तरजीह इन राज्यों को ज्यादा मिलेगी, या फिर उन राज्यों में जहां पर कि परफॉर्मेंस कम हुआ है तो उन्हें एनहेंस करने के लिए ज्यादा तरजीह दी जाएगी, यह फॉर्मूला देखने का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 3 पावर प्लांट्स पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, प्रदूषण फैलाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने यह एक्शन लिया, एनटीपीसी, बालको और सीएसईबी पर कार्रवाई, राखड़ का समाधान करने के निर्देश दिए गए। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई शुरू कर दी है, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इन पावर प्लांट्स पर एक्शन की तैयारी है और देखना होगा कि इस
ऐलान से क्या अब सुधर जाएंगे ये पावर प्लांट्स, इन हालातों को संभालने का प्रयास करेंगे या फिर एक्शन होने के बाद ही, कार्रवाई होने के बाद ही ये सुधार हो पाए। बहरहाल पर्यावरण को राखड़ से नुकसान हो रहा है, इस समस्या से लोगों को भी काफी जूझना पड़ता है। ऐसे में इस समस्या का निजात क्या है, इससे हल कैसे निकलेगा, ये देखने का विषय होगा। 3 पावर प्लांट्स पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इस जुर्माने को अदा करने के बाद क्या पावर प्लांट्स सुधर जाएंगे। अब्दुल असलम हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अब्दुल, ये नुकसान तो लोगों को हो रहा है लेकिन अब जो एक्शन लिया गया, 25 लाख का जुर्माना लगाया गया, क्या उम्मीद की जाए कि इस जुर्माना लगने के बाद स्थिति कुछ बदलेगी? जी, आपको बता दूं कि ये पर्यावरण संरक्षण मंडल ने पिछले कुछ माह के दौरान जो है ये जुर्माना की जो कार्रवाई है 3 पावर प्लांटों पर की है, जिसमें 25 लाख का जुर्माना ये लगाया गया है और प्रशासन ने राखड़ का पर्याप्त उपयोग करने की बात प्रशासन ने निर्देश दिया था, बावजूद इसके कि लो लाइन एरिया में ये राखड़ जो है कहीं भी डंप कर दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण मंडल ने ये कार्रवाई की है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। अब्दुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी है, दिल्ली में CWC की बैठक जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता शामिल हैं, दोनों ही प्रदेश के आला नेता बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता इसमें शामिल हैं और मंथन से क्या अमृत निकलेगा या फिर पहले विष निकलेगा, कैसे होगा आगे का निर्णय, ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो इस मंथन से पहले से ही सियासी फिजाओं में तैर रहा है और आगे की स्थिति क्या कांग्रेस पार्टी की रहती है ये भी देखने का एक महत्वपूर्ण विषय होगा। क्योंकि ये केर बेर का संघ है, केला और बेर एक साथ ही रहेंगे और एक साथ रहेंगे तो फटेगा केला। भाई, ये तो संसदीय दल का विशेषाधिकार है, वो लोग तय करेंगे और उम्मीद करना चाहिए वो बने। एक आपने बड़ा ही देसी सा उदाहरण देखा, केले और बेर की संगति का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि CWC की इस बैठक में, इस मंथन में अमृत निकले कांग्रेस पार्टी के लिए जो लाभदायक हो, इसके लिए क्या आगे स्थिति रहेगी ये भी काफी कुछ निर्भर करेगा। शिवम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, लगभग कितनी और देर ये बैठक चलनी है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? देखिए, बैठक को लगभग 2 घंटे का समय हो गया है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि अब से 10 से 15 मिनट के अंदर बैठक खत्म होने वाली है, जिसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए निर्णयों की बात की जाएगी। शुरुआती जो संबोधन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और जीत का क्रेडिट निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया। खड़गे ने यह भी कहा कि जो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने काम किया, उसने निश्चित तौर पर पार्टी के लिए, तमाम विपक्षी दलों के लिए जीत के रास्ते खोल दिए। हालांकि खड़गे ने अपने संबोधन में इस बात को विशेष तौर पर जिक्र किया कि जिन राज्यों में पार्टी की सरकार बनी है, जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में है, वहां पर अपेक्षाकृत समर्थन नहीं मिला है, अपेक्षाकृत वोट नहीं मिला है, उसको लेकर भी हमें आकलन करना होगा। इसके साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जो इस लहर में भी, जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, वहां पर विशेष मेहनत की जरूरत है। खड़गे ने जिक्र करते हुए पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से यह कहा कि आने वाले समय में 3 से 4 महीने में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां पर जीत का ये मोमेंटम बरकरार रखना होगा। बहरहाल, जो पहली CWC बैठक थी लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें तमाम राज्यों को लेकर आकलन रहा, समीक्षा की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार इस बात को दोहराते रहे कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस चुनाव में मेहनत की है, उसी का परिणाम है कि हम इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का विशेष जोर उन राज्यों में रहा, जिनमें मध्य प्रदेश भी एक है, जहां पर पार्टी को सफलता नहीं मिली, यहां की इस लहर में भी वहां पर पार्टी खाता नहीं खोल पाई। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इस बैठक में भी राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की कई सांसदों ने मांग उठाई, कईयों ने जिक्र किया कि राहुल गांधी को ये पद संभालना चाहिए।
ओवरऑल आज शाम को 5:30 पर कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की संसद में बैठक है। माना यह जा रहा है कि उसी बैठक में औपचारिक तौर पर इस बात पर मुहर लग सकती है कि राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस के नेता बनेंगे। पहली सीडब्ल्यूसी में लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा इसकी पहले भी हुई थी, पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर राहुल गांधी चाहें तो ये हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी अभी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये संशय दरअसल अभी यहां बना हुआ है। इसके पहले तो कांग्रेस के सभी नेताओं ने एक स्वर में इस बात को स्वीकार किया था और बल्कि अपनी मांग रखी थी कि राहुल गांधी को ही नेता विपक्ष का पद संभालना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर बेवजह इसे लटकाने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कमेटी को 2 साल का समय दिया गया है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा है और इससे इनकी मंशा पर भी शक पैदा होता है, ये कार्यकाल 2 साल के बजाय 6 महीने का होना चाहिए। और अमरजीत भगत ने कहा कि समिति की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ राज्यपाल से अनुमति लेनी है। देखिए इसमें तो अब जैसे इनको ऊपर से आदेश आता है वैसे लोग इसमें कार्रवाई करते हैं। अब दिल्ली से जो आदेश आया होगा, नागपुर से जो आदेश आया होगा, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पुनः आग्रह है कि इसमें राजनीति ना करते हुए और इसमें तत्परता के साथ आदिवासियों के हित के लिए ये जो 2 साल का कार्यकाल है उसको तत्काल संशोधन करके 6 महीने के अंदर करें और वंचित लोगों को जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे उनको लाभ दिया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण प्रावधानों पर समिति का गठन किया। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को बनाया समिति का अध्यक्ष। मामले में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि दिल्ली से नेताओं के लौटने के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी और जब बैठक होगी उसमें जीएडी के अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। आरक्षण पर बनी समिति पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। मामले में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद, कोई भी कमेटी बनती है तो कुछ समय सीमा के लिए ही बनती है, जो भी होगा उसमें न्याय सम्मत निर्णय लिया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। तमाम सारे जीएडी के अधिकारी हैं, ट्राइबल डिपार्ट के हैं, उनके साथ बैठ करके इस समिति का कार्यक्षेत्र कहाँ तक है इस बारे में बात किया जाए। उनका इस तरह से आरोप बेबुनियाद है और मैं समझता हूँ कि एक कोई भी कमेटी बनती है तो ऐसा नहीं है कि हफ्ता 15 दिन के लिए बनाई जाती है, उस समय सीमा तो कुछ दिया ही जाता है, तो जो भी होगा न्याय संगत उस पर निर्णय लिया जाए। और कांग्रेस में अंतरकलह खुलकर अब सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर तंज कसा। केदार गुप्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस में सीटों का खींचतान मचा हुआ था। केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता पहले से ही छोटे से लेकर बड़े नेताओं पर यह आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह एकदम सामने आ चुकी है। अब धनेन्द्र साहू जी कह रहे हैं पहले तय हुआ था कि बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे पर बाहर जाके लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ। सबने अपनी अपनी पसंद की सीटें छाट ली और बड़े लोग ही चले गए। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। भूपेश बघेल जी चुनाव लड़े वहां कार्यकर्ताओं ने मंच से कहा कि बाहरी हैं। आज चरणदास बहन जी कहते हैं कि मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा तो हमेशा ईश्वर साथी रहा है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो अंतरकलह का बड़ा कारण है। और फटाफट 20 बड़ी खबरें। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में करारी हार पर दिल्ली में मंथन जारी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में समीक्षा जारी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्रावधानों पर बनी समिति की जल्द होगी बैठक। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। राधिका खेड़ा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ आपको छोड़ रहा है। कांग्रेस में अंतरकलह पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता का तंज, कहा सीटों को लेकर पहले से ही है खींचतान। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी बस, पलटने से 2 लोगों की मौत। दुर्ग में 2 सगे भाइयों की मिली लाश, कमरे में डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी लाश। जशपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत, नाना भी घायल।
जशपुर में रेप का आरोपी गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस आरोपी कर रही थी तलाश। नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ में घायल 3 जवानों को रायपुर किया गया गिरफ्तार। कोंडागांव में नक्सलियों ने ग्रामीणों की हत्या की, शादी समारोह से लौट रहा था ग्रामीण। बड़ौदा बाजार में ब्लैकमेलिंग के आरोपियों पर इनाम घोषित, हनी ट्रैप मामले में फंसाते थे, एसपी ने की कार्रवाई। बलरामपुर में डबल मर्डर मामले में एसआईटी की टीम का गठन, मंत्री रामचार नेताम ने गृहमंत्री को लिखा पत्र। जशपुर में ट्रैक्टर ने युवक युवती को रौंदा, युवक की मौत, युवती की हालत नाजुक। बलरामपुर में कब्रिस्तान खुदाई के मामले में सरपंच गिरफ्तार, तालाब गहरीकरण के नाम पर कब्रिस्तान खुदवा दिया। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, नीलेश नशीले इंजेक्शन के साथ शख्स गिरफ्तार। राजगीर चांपा में 7 जुआरी गिरफ्तार, जुआरियों के पास से 35,000 रुपए, 6 मोबाइल फोन और 6 बाइक जब्त। मेंद्रा में गरीबों के राशन पर डाका, एसडीएम ने महिला स्व सहायता समूह को किया निलंबित। राजनांदगांव में ट्रेन रद्द होने से यात्री परेशान, 12 जून तक होगी परेशानी। धमतरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, करोड़ों की लागत से मरम्मत का काम, सड़क का शुरू। कोरबा में हाथी की दहशत, हाथी ने एक शख्स पर किया हमला। और एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।